सोलहवीं शताब्दी जब भारत में बादशाह अकबर का राज्य था, उन्होंने अपने दरबार में ऐसे 9 रत्न चुन के रखे थे जो कि अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि थे। ऐसा ही एक रत्न था तानसेन, और किसी समय यह भी नियम था बनाया गया कि तानसेन के अतिरिक्त और कोई वहाँ गा नहीं सकता। यदि गाने का प्रयत्न करेगा तो शायद मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर उसे तानसेन से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। इस समय में एक दूसरा संगीतज्ञ कवि वहां था, बैजू। शायद आपने सुना होगा नाम बैजू बावरा। बैजू के पिता भी एक संगीतज्ञ थे और उन्होंने जब गाया तब तानसेन के जो सैनिक थे उस युद्ध के दरमियान उनकी मृत्यु हुई थी, और मरते हुए बाप ने अपने बेटे से कहा था कि तुम इसका बदला जरूर लेना तानसेन को हराकर। वह बैजू बचपन से ही केवल एक इच्छा पाले था कि मुझे तानसेन को हराना है। परंतु जब एक बार उसने तानसेन को सुना तो उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसने सोचा कि मुझे प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, रियाज करना चाहिए, उसके बाद ही मैं इस योग्य होऊंगा कि तानसेन को हरा दूं। उसे याद आता है उसके पिताजी उसी दिन बहुत पहले, मरने के पहले, उसे एक गुरु के पास ले जा रहे थे, हरिदास। उसे ये बात याद आती है और वो हरिदास के पास पहुंचता है और अपने गुरु हरिदास से कहता है कि मुझे तानसेन को हराना है, इसलिए आप मुझे संगीत सिखाओ। गुरु कहते हैं कि जब तक तुम्हारे हृदय में प्रतिशोध का भाव है तुम संगीत नहीं सीख सकते, क्योंकि संगीत अर्थात प्रेम, संगीत अर्थात डूब जाना। वो अपनी गुरु की बात सुनता जरूर है परंतु हृदय से वो बदले का भाव नहीं निकाल पाता। परंतु धीरे 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 प्रयत्न करते करते, रियाज करते करते, संगीत की उस कला में वो निपुण हो जाता है और एक समय ऐसा आता है उसके जीवन में कि अब वो संपूर्ण संगीत के जैसे प्रेम में पड़ गया है। दिखाया है कि गुरु बीमार है, एक बार सभी दवाइयां उन्होंने बंद कर दी है, एक हट लिए हुए जब तक श्री कृष्ण की प्रतिमा का दर्शन ना कर लूं, चलकर उस मंदिर में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और दिखाया है तब बैजू गाता है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और उस गीत में इतना माधुर्य होता है कि उसके गुरु जो कि एक तरह से विकलांग थे उस समय, चलना चालू कर देते हैं और मंदिर पहुंच जाते हैं। उस अवस्था को बैजू प्राप्त होता है कि अब वो जो प्रतिशोध का भाव था, वो जो बदले का भाव था कि मैं इतना बड़ा संगीतज्ञ बन जाऊं और तानसेन को हरा दूं, अब वो विलीन हो गया, अब वो भाव समाप्त हो गया और वो जैसे केवल और केवल संगीत के प्रेम में इतना पड़ गया है। उसके गुरु के ही वाक्य उसे याद आते हैं
कि जब तक तुम संगीत से प्रेम नहीं करोगे तुम जीत नहीं सकते, तुम्हारी लड़ाई व्यर्थ होगी। कुछ कुछ कहानियों में बताया है कि वो दिल्ली जाता है, तानसेन से उसकी स्पर्धा होती है और वो उस स्पर्धा में तानसेन को पराजित कर देता है, परंतु अब उसके अंदर वो पराजित करने का भाव भी नहीं है। कुछ का कहना है ऐसी स्पर्धा कभी हुई ही नहीं, तो जीवन निरंतर संघर्ष का नाम है, प्रतिपल संघर्ष। परंतु क्या कोई ऐसा भी मार्ग है कि जिसमें शत्रु से बिना लड़े शत्रु का अतिक्रमण हो जाए और जीत हमारी हो जाए? बैजू ने जैसे बताया उस बदले के भाव से वो मुक्त हो गया और इतना प्रेम प्रकट हो गया संगीत के प्रति कि अब किसी को हराने की इच्छा भाव समाप्त हो गया। कल की वाणी में था ये पांच विकार चोर है, काम उनका सरदार है, ये विकार तुम्हारे शत्रु है, और जब से हम ब्राह्मण बनते हैं तब से ये संघर्ष चालू होता है। एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ विकार, कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ कभी मोह कभी अहंकार, तो कभी उनके ही सूक्ष्म रूप बार बार आत्मा को गिराते हैं। आत्मा प्रयत्नरत है, पुरुषार्थ कर रही है, परंतु फिर भी कई बार इस ब्राह्मण जीवन में हार होती है और फिर व्यक्ति उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, एक अवसाद उसको ग्रस लेता है और फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती, बहुत कर लिया, सब कर लिया। क्या इन दुश्मनों को हराने का कोई दूसरा भी मार्ग है? क्या ऐसे ही हम संघर्ष करते रहे? ज्ञान और योग एक तरफ चल रहा है परंतु संघर्ष भी जारी है। क्या ऐसा भी कोई मार्ग है कि जिनसे ये संघर्ष समाप्त हो जाए, ये द्वंद्व मिट जाए और निर्द्वंद अवस्था को चेतना उपलब्ध हो जाए?